खजू आजा आजा। अब देखिए मैं ट्रेनर हूँ तो मेरे पास भी नहीं आ रही है, तो एक दो बार में ही ये समझ गई। अब ये चीज़ आपको कब करना है, जब हम इसको 100% ट्रेनिंग देंगे कि ये घर के अंदर ही रहे, घर के बाहर नहीं जाए, नहीं तो घर के बाहर निकल जाएगा तो एक्सीडेंट कर सकता है। यहाँ पे रोड दिखाइए, ये रोड है, हमेशा कार मोटरसाइकिल आते रहता है, कभी भी ये बाहर निकलेगा एक्सीडेंट कर जाएगा। और दूसरा ये दिक्कत हो सकता है कि आप घर पे रहोगे नहीं रहोगे, ये घर से निकलेगा और इधर उधर अपने मन से घूमने चला जाएगा और ये परेशान कर देगा आपको भी और घर वाले को भी। तो आज हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रेनिंग देंगे और ये 100% काम करेगा। ये पप्पी को भी दे सकते हैं और बड़े डॉग को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। सबसे पहले तो इस डॉग को देखिए कि ये घर के बाहर नहीं आ रहा है, तो अगर आप पप्पी में ट्रेनिंग दोगे तो बहुत बढ़िया है। अगर बड़ा आपका डॉग हो गया है तो बड़े डॉग को भी ये काम करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रेनिंग तो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग थ्योरी समझ लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल से पहले थ्योरी समझोगे तो प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया होगा। तो दोस्तों देखिए ये डॉग यहाँ पर है, तो ये जब भी बाहर निकलेगा तो दो टाइम पे बाहर निकलेगा, एक जब आप रहोगे तब बाहर निकलेगा, दूसरा तब जब आप नहीं रहोगे तब ये बाहर निकलेगा। तो आपको ट्रेनिंग कब देना है, जब आप नहीं रहोगे और आपका डॉग बाहर निकल जाएगा तो उस समय आपको ट्रेनिंग देना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे तीसरे बंदे को रखना है, मैंने तीसरे बंदे के लिए इनको रख लिया है। अब इनको हम क्या समझाएंगे कि जब भी जो इसका ऑनर है ये नहीं रहेगा, देखिए मैंने बुलाया वो आ गया। अब इसको ट्रेनिंग किस प्रकार से देना है, जैसे कि इसके मालिक हैं तो इनके मालिक को अभी मैं यहाँ पे नहीं रखा हूँ। अब जब इनके मालिक नहीं रहेंगे तो तीसरे बंदे को मैं बोलूँगा कि ये जब भी घर से बाहर निकले गलती से भी तो उसको डरा दे, मतलब इतना डरा दे कि वो घर के बाहर भाग जाए। अब ये चीज़ अगर आप एक्सेसिव कर दोगे तो आपका डॉग घर के बाहर निकलने से भी डर सकता है, लेकिन आपको मॉडरेट क्वांटिटी में करना है। दोस्तों जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होता है वो बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस पे देता हूँ, जो आपको बहुत अच्छा काम करेगा। तो चलिए मैं उसको बुलाता हूँ, इधर आ काजू। तो देखिए उसको मैं बुला रहा हूँ, तो किस तरीके से ट्रेनिंग देना है सबसे पहला समझिए कि अब हम उसको बाहर निकालेंगे। इधर काजू आजा। अब दोस्तों देखिए आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग के मात्र एक से दो दिन में ही आपका डॉग ये ट्रेनिंग सीख लेगा, मात्र एक ही दिन में और एक ही बार में ट्रेनिंग सीख लेगा। आपको गेस करते रहना कि आपका डॉग घर के बाहर निकलता कब है। अब आपको क्या टाइम आपने गेस कर लिया कि ये आपका डॉग अपने मन से कब निकलता है, तो उस समय आप अब्सेंट रहिए। तो तीसरे आदमी को बोल दीजिए कि जब भी ये अपने मन से घर से बाहर निकलेगा इसको देख करके ऐसे दौड़ना है कि इसके जान पे हमला हो रहा हो, इस तरीके से दौड़ना है, इसको डराना है। एक से दो बार डराओगे आपका डॉग घर के बाहर निकलेगा ही नहीं, और उसके बाद जब भी ये अपने मर्जी से निकले तो तीसरे पर्सन को ही बोलना है, आपको नहीं करना है, क्योंकि आप करोगे तो ये आपके साथ डर जाएगा और आपके साथ भी नहीं निकलेगा, तो इसलिए तीसरे पर्सन को ही करना है। देखिए मैं इसको बाहर निकाल दिया, देखिए बाहर अंदर जा रहा है काजू। देखो ये जब भी बाहर निकले तो तुमको गमछी से ऐसे करके उसको डराना है, ठीक है। तुम उठ जाओ, हम भी उठ रहे हैं, मारो मारो जल्दी। देखिए देखिए ये मारी है तो वो बाहर चला गया। अब हम उसको फिर से बुला रहे हैं, काजू आजा। अब जैसे कि देखिए ये बच्ची है, इसने क्या की कि ये ऐसे ऐसे करके आराम से मार रही थी, तो ये तरीका गलत है, आपको ऐसे नहीं करना है। ये बाहर निकली तो आपको इतना कस के उसको डराना है कि समझ लो कि जान का हमला हो रहा है, और ये चीज़ आपको एक से दो बार ही अटेम्प्ट लेना है। आप ऐसे ऐसे दुलार में ऐसे ऐसे करके भगाओगे तो फिर आपका डॉग आपको गम लेगा और कहेगा ये तो मजाक चल रहा है, तो आपको एकदम पूरा कस के डराना है, ठीक है। और आप बचपन में आप ऐसे ऐसे करके भी करोगे तो वो सीख लेगी, लेकिन आपको बचपन में एक दो बार आप डरा दोगे तो वो फिर घर के बाहर नहीं निकलेगा, और जब आप निकलोगे तो उसी समय निकलेगा। यहाँ लो, चलिए हम उसको फिर से बुलाते हैं, काजू आजा 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 आजा, फिर से मारो उसको आजा। गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल। जैसे कि ये अंदर गई तो इसको अप्रिसिएट आपको कर देना, कोई अच्छा चीज़ खाने के लिए दे देना, तो उसके बाद ये ट्रेंड हो जाएगी। हम इसको फिर से बुलाते हैं, काजू आजा आजा। अब देखिए मैं ट्रेनर हूँ तो मेरे पास भी नहीं आ रही है,
तो एक दो बार में ही ये समझ गई। अब ये चीज़ आपको कब करना है, जब ये अपने मन से निकले तो आप टारगेट लेके बनाए रखिए, और जैसे ही निकले उस समय इसको बहुत ही डरा करके करना है। तो ये तरीका करिएगा तो बहुत सारे लोगों का जो डॉग है वो घर से निकल करके भाग जाता है, बाहर भाग जाता है। तो ये तरीका बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। ये चीज़ आपको कोई नहीं बतलाएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने खुद सोचा है और ख़ुद इसको इवॉल्व किया है। तो ये चीज़ करिए, बहुत ही इजीली आप अपने डॉग को पप्पी को सिखा सकते हो। तो ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ट्रेनिंग पसंद है, डॉग को अच्छे से रखना पसंद है, डॉग का केयर करना पसंद है, तो पोम टॉय अनुराग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही सब्सक्राइब होगा, सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा नहीं लगेगा। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, फॉलो करने का भी कोई पैसा नहीं लगता है, और हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। दोस्तों तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।